आदाब नाजरीन, मैं हूं जागृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मौलाना कलवे रशीद रिजवी साहब। रिजवी साहब, आपका हमारे इस मुनसिफ टीवी में इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। अगर हम रिजवी साहब की अगर हम बात करें तो ये एक रिनॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी सक्रिय देखे जा सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एनडीए सरकार के बारे में, खास तौर पर हम मुस्लिम समुदाय के बारे में भी हम थोड़ी सी रोशनी डालने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए सरकार के आने के बाद अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से अल्पसंख्यक लोगों के साथ जिस तरीके से मामले होते हुए नज़र आ रहे हैं, घटनाएं होते हुए नज़र आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सारे मुद्दों को लेकर अपोजिशन पार्टीज भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो आइए हम इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम इनसे कई तरह के सवालों के जवाब जानते हैं। रिजवी साहब, अगर देखा जाए जिस तरीके से एनडीए सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 3 साल के कार्यकाल पूरा होते ही एनडीए सरकार के जो मंत्रालय के जो मंत्री थे वो अपने अपने मंत्रालय की तरफ से अपना ब्यौरा देना उन्होंने शुरू कर दिया है और हर तरीके से उनका यह दावा करना है, उनका ये दावा कर रहे हैं कि जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उसका उस पैमाने पे वो काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर उनके मैनिफेस्टो पर अगर हम ध्यान दें, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क के आवाम से जिस तरीके से उन्होंने कई वादे किए थे, क्या लगता है कि उन सारे वादों को पूरा कर लिया गया है? सबसे पहले तो मुंसिफ टेलीविज़न का शुक्रिया कि उसने हमें याद किया और ये प्रोग्राम हमारे साथ इस वक्त आपके ज़रिए से हो रहा है। बीजेपी की सरकार क्या दावे करती है और क्या करती है, ये उसका अपना किरदार है। उस पर मेरा बोलना सही नहीं है, मगर एक हिंदुस्तानी के नाते जो चीज़ समझ में आ रही है, जो चीज़ देख रही है, उस पर अपना नज़रिया देना बनता है। अगर आप ये सवाल करें कि मिनिस्टर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में काम किया है और सबका साथ और सबके विकास की पॉलिसी पर वो चले हैं, वो जाने वो कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि अभी भी हिंदुस्तान की 75% आबादी इस इंतज़ार में है कि उसने जो सोचकर वोट दिया था उस स्पीड से काम नहीं हुआ है। क्या कमियां नज़र आ रही है? आपने कहा कि उस स्पीड से काम नहीं किया जा रहा है, क्या लगता है कि जो काम जो स्टेप जो लिए जा रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को अभी लेना या इंडिया सरकार को कदम उठाना, अभी ऐसे हालात की अगर हम बात करते हैं, इन हालातों में से कौन से कदम उठाने ज़रूरी है? मुझे लगता है कि दो किस्म के लोग हर जगह होते हैं, बात करने वाले और काम करने वाले। अगर प्रोजेक्ट्स बात करने वालों से लेकर और काम करने वालों को दिए जाएं, वो किसी पार्टी की भी हुकूमत हो और कोई भी मुल्क हो, तो मुझे लगता है काम खुद बोलता है, बोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। लगातार जिस तरीके से एनडीए की हुकूमत आने के बाद जो घटनाओं पर अगर हम ध्यान दें एक के बाद एक, सिर्फ एक पर्टिकुलर राज्य की हम बात नहीं कर रहे, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है, खास तौर पर मुसलमान के जो लोग हैं उनके साथ जो घटित होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बारे में क्या राय देना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो तय है कि हिंदुस्तान में बहुत घटनाएं पहले भी हुई और पिछले कई सालों में भी हुई, मगर मुझे नहीं लगता जिस तरह से घटनाएं अभी हुई हैं वैसे पहले कभी हुई हों। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि घटनाओं के बाद जो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और जिस तरह से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए वैसा गवर्नमेंट ने काम किया है। लेकिन एनडीए सरकार कहती है कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे उसमें ऐसा कोई इजाफा नहीं है, ऐसी घटनाएँ यूपीए की हुकूमत के वक्त भी हुआ करते थे। नहीं, मैं इस बात को ऐसे देखना चाहूँगा कि यकीनन घटनाएं होती थीं और लोग मरते थे, बेकसूर मारे जाते थे, मगर इस दौरान जो घटनाएं हुई हैं, या तो उन घटनाओं पे गवर्नमेंट अपनी प्रतिक्रिया ठीक से नहीं रख पाई है या ठीक से उन घटनाओं को देखकर सोच नहीं पाई है। जो गवर्नमेंट का
सबका साथ और सबका विकास के नारे के साए में चलना है, मुझे लगता है इसे इसमें अगर थोड़ी सी और कोशिश सरकार कर ले तो ये और भी खूबसूरत हो सकता है। अगर हम यूपी सरकार की अगर हम बात करें, योगी के सरकार में जिस तरीके से 100 दिन पूरे होने पर वहाँ की हुकूमत भी अपना ब्यौरा दे रही है कामकाज के बारे में, वो पूरा जो जनता के सामने अपना सारी चीज़ें वो रख रही हैं, लेकिन अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, क्या लगता है कि योगी हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर यूपी का जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? नहीं देखिए, योगी जी के बारे में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छी सरकार चला पाएंगे, क्योंकि धार्मिक आदमी कभी अन्याय नहीं करता और जो अन्याय करे वो धार्मिक आदमी नहीं होता। मेरा अपना मानना यह है कि अगर कोई ये दावा करता है कि वो धार्मिक है तो फिर उस आदमी के वजूद से, एग्जिस्टेंस से, उसकी ज़िंदगी से किसी भी दूसरे को कोई तकलीफ़ कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए सच्चा मुसलमान भी उसे ही कहते हैं जिसके हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुंची हो। सो मेरा अपना मानना यह है कि अगर योगी जी जो कोशिश कर रहे हैं और अगर उनकी सरकार और सरकार के नीचे लोगों ने और नीचे तक के लोगों ने अगर उनका साथ दिया तो यकीनन एक अच्छी सरकार दे पाएंगे। मगर जो हादसात हो रहे हैं उन हादसात से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी अयालत यानी स्टेट है। रिजवी साहब, देखा जाए तो आप राजनीतिक गलियारों में बेबाक बोल के लिए आप जाने जाते हैं। हम चाहेंगे कि आप यूपी हुकूमत के ऊपर भी खुलकर बोलें और हमें आप सीधा जवाब दें कि जिस तरीके से गौ हत्या के नाम पर लगातार जो हत्याएं हो रही है, एक पशु के लिए इंसानों का कत्ल किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई रोक नहीं है कानून व्यवस्था पे? लगातार बीजेपी ने कहा था कि व्यवस्था को सुधारा जाएगा, लेकिन पशु के नाम पर इंसानों का कत्लेआम का सिलसिला जारी है, इस पे आप जरा कहें। इस पे कोई भी ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की सियासत हो या हिंदुस्तान की सकाफत, किसी भी दुनिया के लोग हों, अगर वो हिंदुस्तानी हैं तो वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान, आप मज़हब छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की ज़मीन की तालीम में इंसान और इंसानियत की जो कीमत बताई गई है और हमें समझाई गई है उसका कोई बदल नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि सीने पे हाथ रखकर कोई भी सच्चा हिंदू जो अहिंसाकारी हो वो ये कबूल करेगा कि जानवर के लिए, हैवान के लिए, चाहे वो भैंस हो और चाहे वो गाय हो, उसके लिए एक इंसान को मार दिया जाए। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गाय इस हिंदुस्तान में रहने वाले ज़्यादा आबादी के मज़हब के दरमियान एक बहुत मुकद्दस हैवान माना गया है और बाइज्जत अल्लाह की मखलूक मानी गई है। तो हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को कुछ बोलने का मौका मिले। मगर ये तय है और ये डिक्लेयर है कि अगर किसी इंसान का खून और किसी इंसान की ज़िंदगी किसी जानवर से भी ख़त्म कर दी जाए और घटा दी जाए तो यकीन जानिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान को अच्छे नाम से नहीं याद रखेगी। देखा जाए जिस तरीके से इलेक्शन के टाइम में यह बार बार अपोजिशन सवाल उठा रहा था कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है तब हिंदुत्व का मुद्दा उठता है, गौ हत्या, राम मंदिर जैसे मामले जो है वो उठते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार यह दावा करी थी कि ऐसे मामलों को कंट्रोल किया जाएगा, सबका साथ सबका विकास के साथ ही हुकूमत जो है वो की जाएगी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए जिन जिन राज्यों में बीजेपी की हुकूमत बनी है उन मामलों में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, वह मामला एक बार फिर से दोहराता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि जो बीजेपी के कथनी और करनी में फर्क है? देखिए, एक होता है सिलेक्टेड लीडर और एक होता है गवर्नेंस। अगर लीडर मजबूत है और गवर्नेंस कमज़ोर है तो ये नतीजे किसी भी पार्टी में देखे जा सकते हैं। सिर्फ लीडर के मजबूत होने से कुछ नहीं होता, गवर्नेंस मजबूत होनी चाहिए। मुझे लगता है जब तक नीचे के इंसान तक ईमानदारी से सारे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक हिंदुस्तान सुकून की नींद न सो पाएगा न सुकून का दिन गुजार पाएगा। राम मंदिर के मसले पर आप क्या कहेंगे? ये बड़ा अजीब मसला है राम मंदिर का मसला। बाबरी मस्जिद के सिलसिले से मैं
इतना ही कहना चाहूँगा कि मसला कोर्ट में है और कोर्ट ने कहा है बाहर के लोगों को कि इसमें आएं और बात करें, जब कभी कोई आएगा और बात होगी तो बात की जाएगी। दोनों पक्ष की अगर हम बात करें, दोनों पक्ष कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं, कोर्ट ने भी यही फैसला तकरीबन दिया है, फिर क्यों नहीं इसका कोई सोल्यूशन निकल रहा या फिर सोल्यूशन निकालना नहीं चाहता? देखिए, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि सियासत प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनाए रखने का नाम है, सोल्यूशन का नाम नहीं है। और दूसरा ये कि वो पूरा का पूरा कोर्ट का केस ओनरशिप का है, मस्जिद और मंदिर का नहीं है। चलिए, अब हम थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की तरफ भी हम ध्यान दे लेते हैं। जिस तरीके से लगातार बॉर्डर पे जिस तरीके से जो एक चिंता का एक घटना जो है वो देखने को मिल रहा है, एक यूँ हम कह सकते हैं कि वहाँ पे लगातार पत्थरबाजी गोलीबारी का सिलसिला जो है वो जारी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या बीजेपी वहाँ पर नाकाम होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, मैं इसे वापस फिर कहूँगा, सिलेक्टेड सरकार और गवर्नेंस, इन दोनों का तालमेल अगर ठीक होता है और इंसानों और इंसानियत के हुकूक़ पामाल नहीं होते हैं तो झगड़ा कहीं नहीं होगा। लेकिन जहाँ कहीं हुकूक़ पामाल हो रहे हों, चाहे वो हमारे न देखने की वजह से हो रहे हों या हमारी कमी की वजह से हो रहे हों, मेरी मुलाकात थी हमारे होम मिनिस्टर साहब से और तभी मैंने कश्मीर मुद्दे पे उनसे कहा था कि अगर हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है जो कि है और हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत इस अकीदे पर और इस विश्वास पे है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो फिर कश्मीरी भी हमारे अभिन्न अंग हैं, और अगर कश्मीरी हमारे अभिन्न अंग हैं और वो हमारे भाई हैं तो फिर फौजी भी हमारे भाई हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि गोली हमारे एक भाई की हो और सीना हमारे एक भाई का हो? ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी पूरी तौर से देखभाल करनी चाहिए। मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो चीज़ बंदूक इतिहास में नहीं कर पाई है, ज़बानों ने बहुत बार किया है, इसलिए आज भी ज़रूरत है उनसे बातें करने की या अपनी बातें उन्हें समझाने की, कम से कम इतना कि उन्हें कोई दूसरा ना बहका पाए। रिजवी साहब, यही चीज़ वहाँ की हुकूमत भी बोलती है, उनका भी यही कहना है कि हम बातचीत करके इस मसले को हम सुलझा लेंगे, लेकिन अब तक यह मसला सुलझा हुआ नहीं है। पत्थरबाजी वहाँ पे इसका जो सिलसिला है वो जारी रहता है, कुछ दिन के लिए तो भले ही वो रुक जाता है लेकिन फिर से जो युवा हैं, जो यहाँ वहाँ के जो नौजवान हैं, वो पत्थर लेकर घूमते हुए नज़र आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, आपकी नज़र में क्या रास्ता दिखता है? क्योंकि अमन और शांति की बात तो हर कोई करता है लेकिन अमन और शांति आज भी कश्मीर में कायम नहीं है। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, मैं कश्मीर का इंचार्ज रहा हूँ, मैंने देखा है वहाँ पुलवामा का स्टील प्लांट जब भारत सरकार ने वहाँ ओके किया, उस वक्त से लेके अब तक मैं बहुत साफ अंदाज से कह सकता हूँ, वो स्टेट जहाँ मकान कम और कब्रिस्तान की खबरें ज़्यादा हों, उस स्टेट पर हमारी हुकूमत की ख़ास नज़र रहनी चाहिए, हर तौर से और हर तरीके से नज़र रहनी चाहिए, बल्कि इतना प्यार होना चाहिए कि दूसरा कोई अपने झांसे में भी लेना खास नज़र रहना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि अब तक बीजेपी ने यह सबक नहीं ली है कि जम्मू कश्मीर को एक अलग इशू माने और उसको जल्द से जल्द उस पर एक्शन ले, कोई क्विक कोई स्टेप ऐसा ले कि उस चीज़ को सॉल्व किया जाए? देखिए, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है मुझे नहीं पता, मगर अगर एक्शन ले रही होती और बहुत ज़बरदस्त एक्शन ले रही होती तो ये सब मुसीबतें देखने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं ढील है सरकार की। ये आप पत्रकारिता में आप अपनी बात मेरे जबान में तो मेरे मुंह में तो डाल सकती हैं लेकिन वो मेरे मुंह से बाहर मेरी तरफ से आया ये पॉसिबल नहीं है। बट मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि कहीं कमी है, कहीं चूक है, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे वो सेंटर की सरकार हो, कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर एक बहुत अहम मुद्दा है, ये अहम मुद्दा किसी देश का नहीं है, हमारा है और बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और उस मुद्दे को हमें वैसे ही हल करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी के आला अहदेदारान से कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो वाकई जिस तरीके से एनडीए लगातार अपने कार्यकाल को जहां बेमिसाल बता रही है, अपनी कई उपलब्धियों को वो गिना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके शासन में कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं जिन्हें सुधार करने की ज़रूरत है। अगर हम जम्मू कश्मीर के मसले पर अगर हम ध्यान दें तो
वहाँ के इश्यूज़ को, वहाँ के मसले को खास नज़र से देखने की ज़रूरत है, और जो कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसी वजह से वहाँ के हालात अभी तक जस के तस है। लेकिन नाज़रीन, अभी और भी बहुत सारे सवाल जवाब का सिलसिला अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।